ਤੋਂ ਬਾਈ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਦਾਸ ਪਿਆ ਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਡੋਗ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਆਹ ਪਈ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਆਹ ਪਿਓ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸ ਡੋਗ ਨੇ ਆਹ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਰਾਤ ਦੀ, ਇਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਅਸਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। आज की वीडियो में आपको सोनम बाजवा का सिद्धू मूसेवाला की डिमाइस पर दिए गए रिएक्शन के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 27 साल के सिंगर सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद पूरा देश इस वक्त शोक की हालत में है। पूरा देश ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि एक इतना लाइवली बंदा, जो इतने अच्छे गाने गाता था, जो लोगों से इतना प्यार करता था और जो लोगों से इतना ज्यादा कनेक्टेड था और लोगों से इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा ख्याल रखने वाला था, उसके साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद हर तरफ सिद्धू मूसेवाला की ही बात हो रही है और सिद्धू मूसेवाला को लोग जिस तरह से याद कर सकते थे वो याद कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला को मर्डर्स ने मार तो दिया, लेकिन उनको लोगों के दिलों से नहीं निकाल पाएंगे और वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बहुत से सेलिब्रिटीज जो उनसे कनेक्टेड थे वो उनके जाने पर बहुत ज्यादा दुखी हैं और उन्हीं में एक सेलिब्रिटी सोनम बाजवा भी हैं। सोनम बाजवा सिद्धू मूसा के साथ उनकी वीडियो में आ चुकी हैं और वो दोनों आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। सोनम बाजवा और सिद्धू मूसेवाला को अक्सर साथ भी देखा जाता था, दोनों बहुत अच्छी फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद सोनम बाजवा बिल्कुल टूट चुकी हैं। सोनम बाजवा ने अपनी स्टोरीज पर ब्रोकन हार्ट्स की पिक्चर शेयर की, उसके बाद उनका ये कहना था कि गॉड प्लीज हैव सम मर्सी। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की एक पिक्चर भी शेयर की और साथ में लिखा कि रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला के जाने पर सोनम बाजवा बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उनका ये दुख और वो ये अपना दुख बयान नहीं कर पा रही। उनका कहना था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और पहले तो वो यकीन ही नहीं कर पाई जब उन्होंने इस न्यूज़ को सुना, उनको यकीन ही नहीं आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और वो ये सिर्फ यही प्रे करती रही कि ये झूठी खबर हो और ऐसा कुछ भी ना हो और वो बहुत जल्दी सिद्धू मूसेवाला से मिले। लेकिन जब उनको ये पता लगा कि ये न्यूज़ सच है और झूठ नहीं है, तो वो अंदर से बुरी तरह टूट चुकी हैं और वो इस समय बिल्कुल किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है और वो खुद को कमरे में बंद कर चुकी हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम सोनम बाजवा की इस कंडीशन को समझ सकते हैं और हम सिद्धू मूसेवाला के जाने के दुख में उनकी फैमिली के साथ हैं। आप सिद्धू मूसेवाला के लिए क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।